हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश यूनिट 2 पोयम द काइट। व्हाट इज द काइट? यू ऑल नो अबाउट द काइट। काइट, या वी लाइक टू फ्लाई द काइट ऑन उत्तरायण। यस, 14 जनवरी वी सेलिब्रेट द उत्तरायण, राइट? बट इन दिस पोयम वी हैव टू लर्न दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, what is the message from this poem? From the kite we have a message in our life. The poet sent a message in our life by kite. Kite is only example for us, but it is really important message in our life, for our life. So we see the poem and understand what is the message of this poem. Open your textbook, page number 27, poem The Kite. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? क्या आप लोगों ने try किया है? Yes, you all. अच्छा भी लगता है kite fly कराना. Now we will read this poem. How bright on the blue is a kite when it's new. When it is new, I like. We like that. Wow, new kite. How shining, how bright. Yes, then with a dive and a dip it snaps its tail. उसकी जो tail होती है वो बड़ी फरफराती है हवा में, अच्छी लगती है हमें, देखना अच्छा लगता है. We will be so happy for flying kite. Then soars like a ship with only a sail. It is compared with a ship. जहाज जब जाता है समुद्र में तो वो भी एक हवा के दिशा में जाता है. इसी तरह जो काइट है, ओनली वन स्ट्रिंग, एक ही डोर उसकी हम पकड़े रखते हैं और वो उसी के उसी से वो आगे जाती है, ऊंचे आसमानों में उड़ती है. उसका भरोसा क्या है? सिर्फ हमने पकड़ी हुई वो डोर. एज ओवर टाइड्स ऑफ वाइंड्स इट राइड्स. जिस तरह से जो जहाज समुद्र का होता है वो बहुत सारी टाइड्स में भी समुद्र में जाता है, इस तरह से ये भी काइट भी जब हवा तेज चलती है, कम होती है, सभी मुश्किलों को पार करते करते वह आसमान में ऊंचे तक उड़ती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल. सभी जगह हिल्स तक, पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे वो जाती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स. समटाइम्स ऑन उत्तरायण वी सेड दैट नो वाइंड, my kite is not flying. Means when the wind falls down it will be take down. वो भी नीचे आती है धीरे धीरे धीरे. We have to down it. When string goes slack you wind it back. हमें wind up करना पड़ता है हमारी जो डोर होती है उसे, क्योंकि वो वापस आ जाती है. And run until a new breeze blows. जब फिर से breeze means मस्त सी अच्छी सी हवा जब चलने लगती है, तेज हवा आती है, तो फिर से हमारी पतंग जो है, हमारी काइट जो है, फ्लोट चली जाती है. एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. फिर से पोएट wants to say that when it is new it is so bright, so new, we like it, but when it torn we will not like it and we will not see at it. Okay, let's see. But a razored thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Jab ट्री के टॉप पर फंस जाती है हमारी पतंग या फिर फट जाती है, टॉर्न हो जाती है, वी विल नेवर सी ऑन इट. उसके तरफ हम देखते भी नहीं है. मीन्स इट इज़ द इम्पोर्टेंट व्हेन इट इज़ इम्पोर्टेंस व्हेन इट इज़ न्यू ब्राइट एंड व्हेन इट गो अप्स टू अप एंड अप. जब ऊंचाइयों पर जाती है तो उसका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम उसे एंजॉय करते हैं, उसकी डोर पकड़ के रखते हैं. दैट इज़ द रीज़न. मीन्स कि हमें भी हमारी लाइफ में, दैट इज द मॉरल ऑफ दिस पोयम, हमारी लाइफ में भी हमें ऐसा ही होता है. वट
इफ वी आर एट द इम्पोर्टेंट प्लेस वी आर अप. जब हम प्रगति करते हैं हम अप 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 जाते हैं, मतलब कि हमारी लाइफ में सब अच्छा होता है, देन एवरीबडी विल सी एंड गेट रिलेशन विथ अस. बट वेन वी आर गो डाउन नोबडी विल सी टू अस. मीन्स हमें भी लाइफ में ऊंचे उठना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए. इसी तरह मीन्स काइट जब फट जाती है, टर्न हो जाती है, इट इज़ यूजलेस, वी विल नेवर सी ऑन इट. इसी तरह जब वी आर यूजलेस, वी आर नॉट इम्पोर्टेंट, एंड इफ वी आर इन हाई पोजिशन एवरीबडी विल सी अस. सो इन अवर लाइफ वी हैव द गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए और उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, और उसे पाने से हम लाइफ में कुछ बन सकते हैं. एंड एवरीबडी विल सी अस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोयम प्रॉपरली. प्लीज रीड द पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन. सो द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोयम. थैंक यू.